स्वागत है आपका न्यूज 14 में। मैं हूं सैयद नफी हसन। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के भिवंडी शहर अध्यक्ष मोहम्मद याकूब मुमताज अहमद अंसारी ने शांतिनगर इलाके में महानगर पालिका स्कूल से 9वीं और 10वीं क्लास को कचहरीपाड़ा और बाला कंपाउंड में शिफ्ट किए जाने को लेकर भिवंडी निजामपुरा शहर महानगर पालिका आयुक्त को एक पत्र देकर शांतिनगर इलाके में 9वीं और 10वीं क्लास फिर से शुरू करने और गैबी नगर में स्कूल नंबर 62 और 22 को मरम्मत कर दोबारा शुरू करने की मांग की है। पेश है ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। हम जो है, जैसा कि आपको बताना चाहते हैं, 10 मार्च 2022 को जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी का जो है फाउंडेशन का दिवस था, तो इसके लिए जो है हम जो है स्थापना दिवस के दिन जो है हमारी जो भिवंडी की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जो कमेटी है, तो हम लोग जो है 10 तारीख को जो स्थापना दिवस थी भिवंडी शहर महानगर पालिका के आयुक्त साहब के यहाँ गए थे, वहाँ पे मुलाकात हुई और वहाँ पे हम लोगों ने जो प्रॉब्लम है शांतिनगर एरिए में और गैबी नगर में एजुकेशन के मामले में, उस मुद्दे को हमने उठाया है। और हम लोग जो है हमारे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भिवंडी शहर कमेटी का जो लेटर है उस पर हमने ये लेटर जाके दिया है। और उसमें जो दो मुद्दा था, पहला मुद्दा ये था कि शांतिनगर के अंदर 9th और 10th क्लास जो है पिछले जो है कई साल से जो है बंद है, तो उसको जो है 9th और 10th क्लास जो है वापस चालू करवाना था। और दूसरा जो उसमें मुद्दा था लेटर में कि गैबी नगर के अंदर जो सत्ता टेकरा है वहाँ पर जो है 62 नंबर और 22 नंबर स्कूल है, जो पिछले करीब करीब 4 साल होने को आया है बंद है, वो 8वीं तक थी, तो उसका बंद होने का कारण सिर्फ यही था कि रिपेयरिंग का। अब उसमें कई नेता आ गए जो है, बड़े बड़े लीडर उसमें आश्वासन दे के गए हैं। हम नाम नहीं बोलना चाहते क्योंकि हमको राजनीति नहीं करना, हमको पब्लिक का काम करना है। तो वहाँ पर वो आश्वासन दे के गए लेकिन वो रिपेयरिंग का काम किसी ने कराया नहीं, तो वो भी हमने हमारी पार्टी के लेटर में मांग की है। तो वहाँ पे हमारी जो शहर की जो कमेटी है, जैसे मैं हूँ प्रेसिडेंट भिवंडी सिटी याकूब अंसारी, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब है सैफ अंसारी साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट इमरान शेख साहब, हमारे जो पार्टी मेंबर है यूसुफ अंसारी साहब, और भी जो हमारे जो लोग हैं मेंबरान है, हम लोग सब गए थे भिवंडी शहर महानगर पालिका में। आयुक्त साहब से जो बात रखी गई है और आगे के लिए हमारी जो है चर्चा हुई है महाराष्ट्र प्रदेश की कमेटी से, हमारे अध्यक्ष साहब असलम खान मुल्ला साहब और हमारे जो है जनरल सेक्रेटरी साहब जो महाराष्ट्र के अब्दुल रहमान साहब, और खजांची जो है महाराष्ट्र प्रदेश के इब्राहिम कुट्टी साहब, उन्होंने जो है हमें गाइड भी किया है और हमको जो है इसमें वो सपोर्ट भी कर रहे हैं काम पूरा होने के लिए, स्कूल 9th और 10th क्लास चालू करने के लिए पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने अपॉइंटमेंट भी ले चुका है वर्षा गायकवाड़ मैडम से बात करके, जो एजुकेशन मिनिस्टर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैफ अंसारी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जनरल सेक्रेटरी भिवंडी शहर। हमने स्थापना दिवस के अवसर पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हमारे अध्यक्ष के सरपरस्ती में जाके हमने लेटर दिया स्कूल के मुद्दों पर और आरोग्य केंद्र के मुद्दे पर। तो दोनों मुद्दे पर हमने जो है हमारे लेटर गया है और इस बारे में हम जो है पहले भी आपको बता चुके हैं कि हम इस बारे में काम करने वाले हैं। हमने जब हमारा पद ग्रहण हुआ था, हमको जब पद दिया गया था उस टाइम पे भी हमने कहा था 6 फरवरी को, और आज भी दोबारा कहेंगे कि हम जो भी काम करेंगे वो फलाही काम होगा और ऐसे ही काम जो भिवंडी की आवाम के लिए होगा वो हम करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि स्कूल का जो मुद्दा याकूब भाई उठाए हैं 9वीं 10वीं का शांतिनगर का, वो बहुत भारी मुद्दा उठाए है और हम लोग सब लोग राजी हैं उनसे, क्योंकि वो जो ऐसा काम किए कि कोई भी आदमी वो काम नहीं किए। लोगों के पास भाड़ा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आदमी कैसे जाएगा बाला कंपाउंड चौहान कॉलोनी जो 10वीं 9वीं पढ़ने जा रहा है, आदमी के पास कुछ नहीं है। कई लोग का मामला हम लोग देखते थे कि भाई इतना बड़ा शहर है हमारा शांतिनगर का एरिया, उसमें 9वीं 10वीं क्यों बंद है।
तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस